मई को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। कलेक्टर और एसपी ने देर रात शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया, वहीं नेहरू स्टेडियम में स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इसके बाद दोनों अधिकारी खंडवा रोड बाईपास और सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचे, जहां वाहन चेकिंग प्वाइंट का जायजा लिया। कलेक्टर लोकेश जाचव ने बताया, आचार संहिता के दौरान आबकारी विभाग ने प्रदेश में सबसे अधिक 2 करोड़ की शराब जब्त की है, जिसमें संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आयोग के निर्देश हैं कि जो पोलिंग का क्लोज टाइम होता है उसके 48 घंटे पहले 50% बंद हो जाता है पोल, क्योंकि 19 मई को शाम को 6 बजे बंद होगा। इसीलिए 17 तारीख की शाम को 6 बजे से लेके संपूर्ण तरह का 50% बंद हो गया है। सिर्फ गृह जो डोर टू डोर कैंपेन होता है गृह संपर्क के माध्यम से अभ्यर्थी या राशन से वही कर सकते हैं। आयोग के यह भी निर्देश हैं कि पोल के 48 आवर्स पहले एक स्पेशल प्रोटोकॉल बनाया गया है, उसके अंतर्गत हमारे जितने भी सेंसिटिव पॉकेट्स हैं जहाँ पे इलीगल स्पेंड की शिकायतें आती रहती हैं या मतदाताओं को प्रलोभन देने की शिकायतें आती रहती हैं, ऐसे सभी जगहों का सघन भ्रमण करना है। विशेषकर से पोल डे के ऑन द ईव ऑफ द पोल डे सभी जगह हमारी ये जो विशेष चेकिंग निगरानी दल हैं वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे ऑफिसर्स भी अपने स्टाफ के साथ में हैं और पोल ड्यूटी का फोर्स कल सुबह रवाना हो जाएगा, वो भी पोलिंग बूथ पे पहुंच जाएगा। तो कहीं अगर पोलिंग बूथ्स के आसपास भी कल कहीं कोई कंप्लेंट मिलती है या गली मोहल्लों में कोई कंप्लेंट मिलती है तो उसमें आचार संहिता के उल्लंघन पाए जाने पर उसमें कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। लोकसभा चुनाव